सर बच्चों का कनेक्ट नहीं हो रहा, ऑफिसर पे मैसेज डाल रहा हूँ। कनेक्ट नहीं हो रहा है अभी तो। 62 स्टूडेंट कनेक्ट हो चुके हैं, ऑफिशियल पे मैसेज आ रहा सर, बच्चे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। उनका कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो ऐसे ही बोल रहे होंगे, जाने दो। यूट्यूब पे देखेंगे। मैं उतना नहीं टेंशन लेने वाला हूँ, क्लास में आओ, हंसो खेलो, पढ़ाई करो, बस हो गया। अगर उतना प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर यूट्यूब, मैंने दिया ही ऑप्शन, यूट्यूब पे सीख लो। बस एक ही प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हो, डाउट जो है। इसके लिए मैं ये क्लास में बुलाता हूँ सबको, तो डाउट भी आप लोग पूछ पाओगे, है ना? यस सर, यस सर, ओके, शुड बी स्टार्ट। सो दिस इज यस प्रॉब्लम सर, नंबर टू। प्रॉब्लम नंबर वन आपने किया था, प्रॉब्लम नंबर टू मैं सॉल्व करने नहीं जानता हूँ, मुझे आता ही नहीं है, तो अच्छा होगा कि आप ही सॉल्व करो। सो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। दिख रहा है क्या सबको? यस सर, ओके, यस सर, दिखा रहे सर। चलो कैलसी निकालो, नोटबुक निकालो, सॉल्व करके जल्दी मुझे बताओ। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप एट द एंड ऑफ विच अ नोजल इज फिटेड। द डायमीटर ऑफ नोजल इज दिस मच। ओके, डायमीटर ऑफ नोजल दिया हुआ है। एंड द हेड ऑफ वाटर एट द सेंटर ऑफ नोजल इज दिस मच। ओके, टोटल हेड दिया हुआ है। फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर ऑन अ फिक्स्ड वर्टिकल प्लेट। द कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन, 0.95। अगर कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी कभी कभी नहीं भी दिया रहता है, यू हैव टू एज्यूम इट इज इक्वल टू 0.95। नोट करके कहीं लिख लो, अगर कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है तो अपने को एज्यूम करना पड़ेगा। ओके, मैं सॉल्व करूँ या आप लोग करोगे? सर ट्राई करते हैं, करके दो ना सर। करके दो ना सर, लास्ट लेक्चर में नहीं थे क्या सर? थे या नहीं थे, इतना बताओ। थे सर, पर अभी याद नहीं आ रहा, याद मतलब नहीं आ रहा है नहीं। तो एक बार YouTube पे देख लिया करो कि कैसे क्या सॉल्व करते हैं। चलो आप ही बताओ क्या होगा। ये फिक्स्ड प्लेट मैं मान के चलूं क्या? दिस इज द फिक्स्ड प्लेट। ओके, लेट्स से दिस इज द जेट डेट स्ट्राइक दिस फिक्स्ड प्लेट। ओके, क्या होगा फोर्स एग्जर्टेड, कितना लगेगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाय दिस जेट? कैसे निकालोगे? रो AV1 स्क्वायर। वेरी गुड, हो तो गया तुम्हारे से सॉल्व। Fx इज इक्वल टू रो AV1 स्क्वायर। कहाँ से आया? रो AV तो सर पहले से रहेगा, एंड देन आफ्टर इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज v1, फाइनल वेलोसिटी इज 0, सो रो AV स्क्वायर। क्लियर है? तो बस इतना ही निकालना है। डेंसिटी ऑफ वाटर आप जानते हो, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? एरिया निकालने के लिए डायमीटर दिया हुआ है। एरिया इज नथिंग बट पाई बाय 4 इनटू d स्क्वायर। सो d स्क्वायर इज गिवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर? 100 mm। सो वन कैन गो फॉर पाई बाय 4 इनटू d स्क्वायर। 100 mm मींस 0.1, सो 0.1 स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट यू कैन फाइंड एरिया। नाउ वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जब आपको हेड दिया रहे तो वेलोसिटी हो जाता है v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh, h इज द हेड। नाउ मल्टीप्लाई इट विद द cd। cd क्यों? cd इज क्योंकि ये एक्चुअल वेलोसिटी है, तो इसको ये फॉर्मूला में 2 का वैल्यू पता है, आपको g पता है। g इज इक्वल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? 9.81, नाइन 9.81। देन यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? h इज गिवन एज द हेड। हेड इज गिवन एट 100 मीटर, सो यू कैन डायरेक्टली पुट 100, एंड देन आफ्टर सी डी द वैल्यू ऑफ सी डी इज 0.95। वी निकल जाएगा, ये सर वी वो को, भी हाँ आएगा बोलो, ना उधर, हाँ बोलो बेटा। सर CD की जगह CV आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट माय फॉल्ट। सी वी आएगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज लिख दिया मैंने। हाँ सी वी आएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी वी इज गिवन ओवर हियर 0.95। सी वी का वैल्यू पुट करो और वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, v1 निकलेगा, ये वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पुट करो, fx निकल जाएगा। जल्दी बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx? इतना टाइम,
इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। कितना आया वेलोसिटी? वेलोसिटी बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी? वेलोसिटी 1.21। यस 42.079। ओके 42.08 लिख दूं क्या मैं? फिर 0799 है तो हां सर। अब प्लीज यूनिट बोलते चलो। मेरा पर्पस ये है कि इस मतलब टर्बो मशीन खत्म होते होते आप लोग गेट का प्रिपरेशन चालू कर दो, तो उस लेवल के लिए आपको यूनिट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गेट में 3-4 क्वेश्चन तो सिर्फ यूनिट से ही सॉल्व हो जाते हैं। चलो जल्दी बता दो, व्हाट इज द वैल्यू नाउ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफएक्स? 330.24। कुछ गड़बड़ हुआ बेटा, फिर से ट्राई करो, फिर से देखो सर। 13.9 × 10³। यूनिट यूनिट 13.9 × 10³ न्यूटन। सो कैन वी से इट इज इन 13.9 किलो न्यूटन? यस सर। सो टफ था क्या? सबसे हुआ है ये सॉल्व, या मैं एक एक करके सब वैल्यूज डाल के सॉल्व करके दिखाऊं? नो सर। सबसे हो गया सॉल्व? हो गया। कोई है जिससे सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जिसका नहीं। सर कुछ तो गड़बड़ है। ओके नेक्स्ट इज दिस न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 3। अ जेट ऑफ वाटर हैविंग अ डायमीटर, डायमीटर ऑफ जेट दे दिया है आपको। जिस ये क्यों दिया है, व्हाई देयर इज अ डायमीटर ऑफ जेट? So area, you can find area. Pi by 4 into d square लगा लीजिए, यहाँ से area पता चल गया। With a velocity, velocity भी दिया हुआ है। Strike a plate in such a way that the angle between the jet and the plate is 60 degree. Okay, ये क्या कह दिया आपको कि angle between jet and plate 60 degree है। This angle is 60 degree. Okay, so कैसे निकालेंगे अपन ये, कैसे solve करेंगे? कोई बताएगा मुझे कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेट इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट, यानी नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स निकालना है आपको। फोर्स निकालना है इन नॉर्मल डायरेक्शन Fn, एंड देन सर रो f बराबर sin थीटा। डायरेक्ट फार्मूला मत बताओ बेटा, कितना फार्मूला याद करोगे? अभी तो शुरुआत है, कितना फार्मूला याद करोगे? फार्मूला याद करते रहोगे तो फिर बहुत ज्यादा इसमें फार्मूले में फंस जाओगे। स्टेप बाय स्टेप बोलो ना सर, पहले ये कर देंगे फिर वो करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, वेलोसिटी निकाल लोगे क्या? v1। यस। कैसे निकालोगे गिवन है 25 मीटर पर सेकंड। v1 इज इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकंड। अरे नहीं वो नहीं बोल रहा, एंगल के साथ मतलब वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन दिवेन है ना, अपने को वेलोसिटी इस डायरेक्शन में निकालना है, इस डायरेक्शन में। This is 90 minus theta. V1 cos 90 minus theta. That means V1 sin theta. बोल दूँ directly मैं? हाँ. Yes. ये initial velocity हो गया. Initial velocity V1 sin theta. V1 का value given है, sin theta का value given है. What is the final velocity? That will become 0. Yes. So what will be the expression for Fn? Fn का expression हो जाएगा rho a V1 into V1 sin theta, that is nothing but a rho a V1 square sin theta. No, सही है, जिन लोगों ने याद किया है वो कैसे आता है वो सब भी ध्यान में रखो। So जल्दी से बता दो मुझे, rho का value पता है आपको, area का value निकाल सकते हो। V1 is given 25 meter per second, sin theta का value, theta is given 60 degree. जल्दी बस से बताओ, what is the value of Fn? Very good. The value of Fn is 2391. Unit नहीं पता है मुझे।
नेक्स्ट वी रिक्वायर टू फाइंड इन एक्स डायरेक्शन. जल्दी से बताओ व्हाट इज द वैल्यू इन एक्स डायरेक्शन. दैट मींस एफएक्स क्या हो जाएगा. सो एफएन आपने इस डायरेक्शन में निकाल लिया है, आपको बस v1 cos theta क्या होगा. नहीं नहीं डायरेक्ट एफएन निकाल लिया है ना, एफएक्स निकालना है. fx is equals to fn fn sin theta sin theta sin theta sin theta fn sin theta. so fn ka value rakh do, sin theta ka value rakh do. jaldi se bata do fx kitna hai. jisko nahi samajh mein aa raha hai please pucho ki sir ye kaise kar rahe ho, kaise likh rahe ho. 207.08 × 10³. सबका सॉल्व हुआ? हाँ सर. कोई है जिसका सॉल्व नहीं हो पा रहा है? क्या हुआ क्या हुआ? समझा नहीं सर. लास्ट लेक्चर में थे क्या आप? यस सर. लास्ट लेक्चर में थे तो भी नहीं समझा ये? नहीं सर. ये इधर सर, ये एंगल को कैसे लिए सर वो नहीं समझा अभी. कौन सा एंगल? ये एंगल. हाँ इधर सर जो FN और ये FX जो लिए. बेटा आप लास्ट लेक्चर प्लीज फिर से जाके एक बार YouTube पे देखो, फिर से एक बार देखो. आपको ये वहां पर मैंने क्लियरली ये एंगल समझाया है. क्या होता है क्या है कि ये एंगल आपको थीटा, मान लो थीटा ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री. सो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी होगा आपको 60 डिग्री. नाउ इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, दैट मींस दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज नथिंग बट 90 - 60 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री बन जाएगा ये एंगल. सो यहां पर आपने निकाल लिया fn. सो करना क्या है, fn into cos 90 - theta. सो fn cos 90 - theta, cos 90 - theta इज इक्वल्स टू sin theta. सो इसलिए डायरेक्टली लिखा है fn sin theta. लास्ट लेक्चर प्लीज एक बार देख लो, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट अभी मिस करोगे तो आगे बहुत सारे एंगल्स आने वाले हैं. और कुछ डाउट है फिर से बोलूं क्या, पूरा फिर से समझाऊं मैं एंगल कैसे लिया है? नो सर. वो हमने वेलोसिटी क्यों चेंज की सर? कहां पे वेलोसिटी चेंज की बेटा? इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर v1 sin theta क्यों लिखी? sin theta. इंक्लाइन लाइन वाला प्लेट आपका इक्वेशन आप लोगों ने नहीं समझा अच्छे से इसका मतलब, उस दिन पूछना चाहिए था. देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अपने को v है, v1 है, मगर मुझे निकालना है वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन. सो नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली दिस इज द एंगल थीटा. सो ये भी होगा थीटा, ये होगा 90 - थीटा. So, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मुझे निकालना है. इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 cos 90 - theta. सो cos 90 - theta इज नथिंग बट द sin theta. सो दैट्स व्हाई v1 sin theta हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में. और क्यों किया सर आपने ये, क्योंकि मुझे नॉर्मल टू द प्लेन पर जाएंगे तभी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा. क्लियर? यस. ओके और कोई डाउट? लास्ट लेक्चर का यूट्यूब पे प्लीज एक बार देख लो जिसको ये सब डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर मैंने एकदम आराम से एक एक पॉइंट समझाया है. किसी ने पूछा था मेरे से कि सर वर्टिकल कि ये आपने एक्सिस क्यों चेंज कर दिया, तो वो सारे आंसर वहां पर है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, धीरे धीरे प्रॉब्लम का आपको ये एंगल्स वगैरह इंक्रीज होते जाएगा. सो अ जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 50 मीटर, अगेन एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो. स्ट्राइक द फिक्स्ड प्लेट इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन द प्लेट एंड द जेट इज 30 डिग्री. द फोर्स एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ जेट इज दिस मच. डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. नाउ अगेन वी रिक्वायर टू डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर? डिस्चार्ज. डिस्चार्ज. ओके वेरी गुड. क्यों निकालना है भाई? Q का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालेंगे Q? Q is equal to AV. 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 तो हम लोग कर सकते हैं क्या, A1 V1 अगर पता चल जाएगा अपने को तो अपना डिस्चार्ज निकल जाएगा? Yes. एरिया तो पता है अपने को.
From diameter you can easily calculate area. Area is nothing but area is equals to pi by 4 into 0.05 square. So area तो पता है, velocity कैसे निकालेंगे? Velocity निकालने के लिए दिया हुआ है formula. The force exerted in the direction of jet force. Is this much. Now which force is given? Force Fx. Exerted Fx. In the direction of jet. Fx. What is the formula for the Fx? Fn sin Fn theta. Sin theta. Fn sin theta. What is the formula for Fn? Rho a v1 square sin theta. तो यहाँ पे मैं टोटल में लिख दूँ क्या sin square theta? Yes sir. Just it. सॉल्व कर लो. सो कंप्लीट है. एफ एक्स गिवेन है आपको. द एफ एक्स इज गिवेन इन प्रॉब्लम. डेंसिटी पता है आपको. एरिया निकाल सकते हो. देन आफ्टर वी वन निकालना है आपको साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो. सो बाय दिस एक्सप्रेशन वन कैन कैलकुलेट वी वन. सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी वन फर्स्ट. देन आफ्टर गो फॉर द डिस्चार्ज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज? जिनको समझ में नहीं आया फॉर्मूला कहाँ से लगाया, ये इंक्लाइंड प्लेन में नॉर्मल का फॉर्मूला एफ एन का फॉर्मूला पहले लगाया गया है. देन आफ्टर वी आर गोइंग टू फाइंड एफ एक्स. एफ एन पहले निकाला गया है फिर एफ एक्स. ये एंगल है आपको 90 माइनस थीटा. So how much you get the velocity V1? 12.24 sir. It is equals to 3. How much is the force putting on? Velocity kitna nikla hai? 3000. And V1 का वैल्यू आएगा 54.77. आया है क्या? आया था सर. आया था सर. ये क्या होता है था सर? मतलब या तो आया है या नहीं आया है. नेगेटिव में आया था. नेगेटिव में क्यों आएगा बेटा? नेगेटिव में क्यों आएगा सर? साइन 30 स्क्वायर डायरेक्टली जीरो आ रहा है सर. साइन 30 स्क्वायर जीरो आ रहा है. रेडियन को डिग्री मोड पर चेंज करो. कैल्सियम में रेडियन को डिग्री मोड पे चेंज करो. अब ये सब मत बोलो मुझे पढ़ाने के लिए जो कि सर साइन 30 का वैल्यू क्या होगा. ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. ऊपर से कैल्सियम भी है आपके पास सर. 54.88. हाँ ठीक है. 54 पॉइंट समथिंग इज ओके. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिस्चार्ज क्यू. मुझे डिस्चार्ज चाहिए लीटर पर सेकेंड में. जीरो पॉइंट टेन सर. जीरो पॉइंट
ओके क्या आया डिस्चार्ज का वैल्यू क्या आया 0.10 इज इक्वल्स टू आया होगा आपका 0.10 ओके 0.10 पर सेकंड 7.75 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब पर सेकंड ओके नाउ टेल मी व्हाट इज द इन लीटर पर सेकंड लीटर में कैसे होता है सर 100 लीटर पर सेकंड 10^3 Into 10 raised to 3 sir. किसको समझ में आया ये into 10 raised to 3? आ गया sir. So if you multiply this term into 10 raised to 3, it will become 107.5 liter per second. ध्यान रखो एक मीटर क्यूब के इसमें बॉक्स में एक मीटर क्यूब के बॉक्स में हमेशा 1000 लीटर ऑफ वाटर होता है सो दैट्स वी यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम मल्टीप्लाइंग इट बाय 10 रेज़ टू 3 ओके आगे बढ़े नहीं सॉल्व हुआ फिर से बोलो भाई जो लास्ट टाइम जिनको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज ठीक है मैं फिर से बता रहा हूँ मैं थोड़ा आपको गुस्सा करूंगा ठीक है थोड़ा सस्टेन कर लो सीख रहे हो ना आप हाँ बोलो किसको डाउट है No doubt, sir. Okay, next problem. Solve this problem. ओके क्या दिया है ए जेट ऑफ वाटर हैविंग अ डायमीटर ऑफ 50 मीटर मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस मच स्ट्राइक अ कर्व फिक्स्ड सिमेट्रिक प्लेट दैट मींस द प्लेट इज समथिंग लाइक दिस कर्व सिमेट्रिक प्लेट है यहां पर जेट आएगा और इधर से जेट निकलेगा ओके ये एंगल बनाएगा थीटा अच्छा क्या दिया है force exerted by jet of water in the direction of the jet if the jet is deflected through an angle 120 now this is known as the angle of deflection there is something called as a angle of deflection what is angle of deflection kya hota hai na ki ye isko piche kar do aur yahan se bhi kar do ye center line hai so ye jo angle hoga this angle this is nothing but known as the angle of deflection okay samajh mein aaya angle of deflection kya hoga so can you tell me what is the value of theta 180 minus theta sir 180 minus 120 that is nothing but the 180 minus 120 is equals to 60 60 degree 60 degree is your angle of deflection sorry 60 degree is your theta angle of deflection diya hua tha aapko theta nikalna tha baki kuch nahi hai isko problem mein jaldi bata do what is the formula what is initial velocity sir v1 hoga what is the final velocity kya hoga zero zero नहीं cos नहीं सर माइनस v cos थीटा माइनस v1 cos थीटा माइनस v1 cos थीटा सो व्हाट इट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर fx रो a v1 हां रो a v1 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा
सो ये फॉर्मूला लगाना है आपको। सिर्फ फॉर्मूला लगाने के लिए मत सीखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कुछ पिछला लेक्चर देखिए, पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। कितना फॉर्मूला याद करोगे, जिनको कॉन्सेप्ट रहेगा ध्यान में वो कहीं ना कहीं से आराम से वो फॉर्मूला बना लेंगे। जल्दी सॉल्व हो गया क्या? वेलोसिटी 4712.38 न्यूटन सर। हाउ मच? 4712.38। हाँ ठीक है, फोर एफएक्स का वैल्यू 4711.15 मेरे पास है, आपके पास 12 आया, दैट्स ओके। जिनका सॉल्व नहीं हुआ है पूरा सॉल्व करो, मैं वेट कर रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, डेंसिटी आपको पता है, एरिया निकालना है। एरिया इज नथिंग बट एरिया इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल्स टू 50 mm, दैट मींस 0.05 एरिया निकल जाएगा। वेलोसिटी इज गिवन 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। Is it okay? आया क्या सबका? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. Should we go for the next problem? Okay, हो गया problem यहाँ तक ही खत्म था। There is one more concept. ठीक है सर, आपने तो मुझे बता दिया कि अगर आपका ये जो है प्लेट वर्टिकल रहे तो ठीक है, वर्टिकल है फिक्स है तो ठीक है। आपने ये भी बता दिया कर्व रहे तो भी ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ द प्लेट इज हिंज्ड? मुझे बताओ क्या होगा कि अगर ये प्लेट को मैं यहां पर हिंज कर दूं और फिर से आपके पास ये जाए। क्या होगा इस केस में? कोई बताएगा मुझे क्या होने वाला है हिंज केस में? अगर इस पे जेट का आप करोगे तो व्हाट विल हैपन? डिफ्लेक्ट होगी वो प्लेट। डिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट होगी क्या? यस सर होगी ना। यस सर। ओके, ये प्लेट को मैंने डिफ्लेक्ट करा दिया है। सो इसका सेंटर लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो क्या सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? ओके, दिस इज द सेंटर लाइन। दैट मींस हुआ क्या है कि आपने एक जेट को यहां से पास किया है, जब जेट स्ट्राइक किया तो ये हुआ क्या, थोड़ा इसमें डिफ्लेक्शन आ गया। एंड लेट्स से मैं कलर चेंज करके डिफ्लेक्शन, इसमें डिफ्लेक्शन आ गया अप टू दिस पॉइंट, ये जेट यहाँ तक आया।
नॉट डिफ्लेक्शन कितना आया, सो डिफ्लेक्शन इज नथिंग बट इक्वल टू थीटा, मैं मान लू कि थीटा डिफ्लेक्शन आया होगा। कोई डाउट है इसमें, यहां तक कोई डाउट है क्या? मैंने कुछ नहीं किया, एक जेट को इस पे पास किया, ये जेट जो प्लेट है वो हिंज्ड है, हिंज्ड प्लेट पे जब आप पास करोगे तो क्या होगा, देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन, सो डिफ्लेक्टेड होके वो प्लेट कुछ यहाँ पे आ गया। इसमें कोई डाउट है? नो सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस प्लेट का कुछ ना कुछ मास होगा, लेट्स से पहले तो लेंथ होगा, इस प्लेट का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस प्लेट इज इक्वल्स टू, लेंथ ऑफ दिस प्लेट इज इक्वल्स टू एच, एच इज द लेंथ ऑफ दिस प्लेट, सही है? लेट्स से कि ये जो पार्ट है, जस्ट एक सेकेंड, ये जो आपका ये लग रहा है क्या कहते हैं, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू जेट, इसको मैं मान के चलता हूं कि ये कुछ इस पोजीशन पे हो रहा है, क्योंकि अगर मैं सेंटर पे लगा दूंगा तो वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या मैं बोलूं कि ओके यहां पर जेट लग रहा है? ओके, अब सही है। नाउ लेट्स से कि ये जो जेट आपको एक्ट कर रहा है, दिस जेट इज एट द हाइट ऑफ, दिस इज एट द हाइट ऑफ एक्स, इसको मैंने हाइट का नाम दे दिया, ओके इट इज एट द हाइट ऑफ एक्स। यहां तक कोई डाउट है? एक जेट लगा है, जेट लगाया कितने डिस्टेंस पर, दैट इज द एक्स फ्रॉम द हिंज एंड द हाइट ऑफ द प्लेट इज एच। यहाँ पे कोई डाउट है सर? सर एक्स की जो हाइट रहेगी वो जेट के सेंटर से रहेगी या फिर उसके अपर सरफेस से? नहीं, जेट के सेंटर से ना, वी आर ऑलवेज, जब भी स्ट्रीमलाइन मोशन में अपन पढ़े हैं कि हमेशा अपन सेंटर को कंसिडर करते हैं। जो फोर्स एक्ट होगा बेटा, जो ये जो जेट जो फोर्स लगा रहा है वो तो उसके सेंटर ऑफ प्रेशर पे लगा रहा है ना? यस सर। हाँ, तो वो तो हमेशा आपको सेंटर पे रहेगा, सो अप टू सेंटर। यहाँ तक कोई डाउट है? और कुछ पूछो? आगे बढ़े, बार और बता। यस ओके। नाउ इसका कुछ ना कुछ मास होगा, ये प्लेट का कुछ ना कुछ मास होगा, mass will be act at its center and let's say w is the mass of this plate, w is the mass of this plate, yahi mass kuch yahan par bhi lagega iske center pe, matlab is position se ye deviate ho jayega is position par, main bol sakta hu kya w mass lagega, suppose kar lo ki ye center pe hai, yahan tak koi doubt hai? नो सर। चलो आगे। no. अच्छा, आपको इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, यू कैन से दैट यू दैट फोर्स इज एफएक्स, और इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा, इसको आप लोग बोलोगे नॉर्मल फोर्स। क्लियर है? यस। ओके यस सर। दैट मींस इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी भी लग रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं वी वन। What will be the velocity in this direction? कोई बता दो मुझे, what will be the initial velocity in this direction? Normal to the plate. ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये एंगल थीटा है। अब बता दो,
सर v1 cos थीटा सही है, लेकिन बाकी लोगों को समझ में आया कि v1 cos थीटा कैसे होगा? समझा दूं क्या? समझ गया सर। सो दिस वैल्यू विल बी, यहाँ पर जो होगा आपको दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, सो आप बोल सकते हो ये एंगल भी सर 90 माइनस थीटा होगा, दिस एंगल विल 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल विल 90 माइनस थीटा, इफ दिस एंगल विल 90 माइनस थीटा ऑब्वियसली दिस एंगल विल थीटा, सो वन कैन से दैट सर इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू वी वन cos theta. What is the final velocity normal to the plane? What is the final velocity normal to the plane? Normal to the plate. अरे सिंपल सा मैं पूछ रहा हूँ कि एक सिंपल सा प्लेट है, इसके नॉर्मल में जब भी आप फोर्स लगाते थे what will be the final velocity? Final velocity क्या होता था? V1 cos theta. क्या? जीरो जीरो, जब भी आप प्लेट के नॉर्मल में लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो ही आने वाला है, सो ऑब्वियसली ये काम मैंने इसीलिए किया है कि क्योंकि यहाँ पर मुझे फाइनल वेलोसिटी जीरो करना था, सो वन कैन से दैट फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Fn? नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? कुछ नहीं, रो ए वी वन कर दो इनटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, दैट इज वी वन कॉस थीटा, so what is the value rho a v1 square cos theta, यहाँ पर कोई doubt है तो बोलो, ये सर समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ doubt है तो बोलो। दूसरा example अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो मेरे पास दूसरा तरीका ये है कि आप समझ लो कि इस तरह का jet रहता था, इस jet पे जब टकराता था तो आप बोलते थे कि ये हो जाता है आपका Fn का वैल्यू हो जाता है रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, नाउ इसी जेट को मैं 90% 90 डिग्री से टिल्ट कर दिया हूं, अगर 90 डिग्री से टिल्ट करूंगा तो ऑब्वियसली थीटा विल बी 90 माइनस थीटा, सो अगर साइन थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा रख दोगे तो यू विल गेट Fn इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा, दैट इज द अनदर मेथड। समझ में आया यहां तक? Fn का वैल्यू समझ में आया? ओके, नाउ About this point, अगर मैं बोलूं कि this is our point number A, this is our point number B, this is the point number C, okay. So मुझे बताओ एक अगर मैं about the point O, मैं अगर moment लूं, moment about the point O, or the summation of moment about the point O is always equals to how much? जीरो। सो चलो समेशन ऑफ मोमेंट ले लेते हैं, जल्दी बता दो, दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स तो W है, दूसरा फोर्स आपका Fn है, सो पहले बता दो W के वजह से क्या मोमेंट होगा? ये W, ये एंगल कितना होगा? व्हाट इज दिस एंगल, एंगल बिटवीन दिस प्लेट एंड W? अरे बताओ एंगल कितना होगा? व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये एंगल अगर थीटा होगा तो आप बता सकते हो क्या W इन दिस डायरेक्शन? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ W इन दिस डायरेक्शन? साइन थीटा। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि ये है आपका W, ये एंगल है आपका थीटा, ये एंगल अगर थीटा हो रहा है तो आप बता सकते हो क्या इस एंगल में कितना होगा? तो ये एंगल में थीटा है सर, तो ये W इस तरफ अगर देखेंगे तो W cos थीटा होगा, और इस साइड देखेंगे तो W sin थीटा होगा, सो कैन यू राइट दिस एज अ W sin थीटा? समझ में आया? यस सर। सो अब मोमेंट बता दो, जल्दी से मोमेंट बता दो, परपेंडिकुलर फोर्स, मोमेंट क्या होता है? मोमेंट हमेशा होता है आपका परपेंडिकुलर फोर्स इनटू द लेंथ, so can you say that the moment due to force weight can be written as w into w sorry w sin theta
इनटू ओबी, ओबी इज द लेंथ, यस सर, ओके. नाउ दिस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो साइन मैंने प्लस रखा है. नाउ गोइंग फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं एफ एन इनटू ओसी, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो. यस सर. कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है? आगे बढ़े? यस सर. चलो ओबी के बारे में बात करते हैं. ओबी जो होगा, अच्छा यहां पर जो वेट लग रहा था वो प्लेट के एच बाई टू डिस्टेंस पे लग रहा था क्या? क्या मैं बोल सकता हूं ओ ए, देखना थोड़ा, ओ ए इज नथिंग बट एच बाई टू. यस सर. कोई डाउट है इसमें? नहीं नहीं. क्या मैं बोल सकता हूं ओ ए इज नथिंग बट ओ बी कॉस थीटा? यस सर. ओके, कोई डाउट है? ना सर. ओके, कैन वी राइट दिस मींस फ्रॉम दिस टू इक्वेशन कैन वी राइट दैट एच बाई टू इज नथिंग बट OB cos theta? Yes sir. And OB is nothing but h by 2 cos theta? Yes. चलो ये तो बात हो गई OB की. अब बात कर लेते हैं थोड़ा OC की. OC, this point. So can we write OC x is equals to OC cos theta? Yes sir. Okay. Can we write OC is equals to x? हाँ बोलो बोलो बोलो. नहीं समझा वो x is equal to OC cos theta. Okay. नहीं समझा सर तो पूछो ना, ये ऐसे ही तो questions मुझे चाहिए कि जो नहीं समझा पूरा clear कीजिए. चलो बात करते हैं. Simple सा एक line ले लेते हैं. Okay. मैंने बोला था आपको पहले ही ट्रिगोनोमेट्री यूनिट पहले लेक्चर में मैंने ये सब पढ़ाया है. ओके, ओ सी और ये हाइट दिया हुआ है एक्स. लेट्स से दिस इज एंगल थीटा. बता दो भाई कॉस थीटा क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? एक्स अपॉन ओसी. एक्स अपॉन ओसी, बिल्कुल सही. कोई दिक्कत है क्या इसमें? एक्स अपॉन ओसी. ओके, क्या मैं लिख सकता हूं इससे OC इज इक्वल्स टू x अपॉन cos थीटा? यस सर. यही तो मैंने बताया था. यही तो यहां पर भी है. देखो यहां पर सेम रहे, थीटा है, ये x है और यहां पर c है. क्लियर हुआ? यस सर. ओके चलो, OC हो गया. OC इज इक्वल्स टू x अपॉन cos थीटा. तो डायरेक्टली मैं ये OC का वैल्यू मिल गया है मेरे पास, OB का वैल्यू मिल गया है. ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूं. तो क्या आ जाएगा इक्वेशन? इक्वेशन है अपना W sin थीटा. क्या इक्वेशन? W sin थीटा इनटू OB. बताना प्लीज, आप लोग अगर लिख के रखे हो तो मुझे बताना. W sin थीटा इनटू OB, OB मस्ट बी इक्वल टू FN into OC. What is the value of OB? What is the value of OB? H upon 2 cos theta. H upon 2
cos theta, and that is equals to fn into OC. What is the value of OC? X upon cos theta. X upon cos theta. Okay, यहाँ पर h upon 2 cos theta था ना? Yes sir. H upon 2 yes, cos sir. H upon h 2 upon cos theta. Okay. Maybe. So मैं यहाँ बोल सकता हूँ h upon 2 cos theta must be equals to x upon cos theta. बराबर है? यहाँ पर किसी को doubt है इस equation में? No sir. So can you cancel out cos theta, cos theta? Yes sir. Yes sir. कोई doubt है? नहीं. क्या मैं लिख सकता हूँ sin theta is equals to fn into 2x upon w into h. और अगर ध्यान होगा आपको what is the value of fn? fn is nothing but rho a v square cos theta. सही है ना? Yes sir. कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है क्या आपने से? बराबर है. W W यहाँ लगा W sin theta cos theta इधर होगा W sin theta into OB. OB is nothing but H upon cos theta. ये तो सही है. Okay, H upon cos theta सही है. यहाँ पर हो गया Fn. Fn is equals to थीटा. ये भी सही है. नाउ cos थीटा इज इक्वल्स टू यहां पर fn लग रहा है. fn cos थीटा fn सही है. fn ओके fn इनटू oc. नाउ oc इज इक्वल्स टू oc cos थीटा इज इक्वल्स टू x. सो oc इज इक्वल्स टू x अपॉन cos थीटा. ये भी तो सही है. क्या दिक्कत हो रहा है? अरे हाँ, एक दिक्कत है. अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओबी? नहीं सही है, अपना इक्वेशन सही है. दिस इज द फाइनल इक्वेशन. इक्वेशन इज ओके. समझ में आया सबको? यस सर. यस सर. तो चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. अब इस पे बहुत सारे केसेस बनेंगे आपको. हो सकता है h का डिस्टेंस कुछ अलग दे दे, x का डिस्टेंस कुछ अलग दे दे, ठीक है? तो इस पे आपको केसेस बनेंगे. सपोज करो कि आप ले लो द केस जहां पर यहाँ पर मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है. यहाँ पर दिस इज द हाइट h. ये हाइट, ये वैल्यू बताओ तो कोई कितना होना चाहिए. व्हाट इज दिस डिस्टेंस जहां पर मास लगेगा आपका? ओबी, द वैल्यू ऑफ ओबी. ये सेंटर ऑफ मास पे लगता है, बराबर है? हेलो सर, h बाय टू ही होगा ना वो?
ये जो OB होगा ये OB आपको डायरेक्टली मिलेगा h by 2 not h by 2 cos theta. Okay, so putting the value of h by 2 in this equation, यहाँ पर आपको h by 2 cos theta नहीं रखना है, h by 2 रखना है. So putting the value of h by 2, we are having formula something like, अब cos theta रह जाएगा आपका. So अच्छा ठीक है, fn का वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ, ये पूरा इक्वेशन भूल जाओ. So we are having w sin theta into h by 2 must be equal to, what is the formula for fn? Rho av1 square. Rho av a square cos theta, sahi hai kya? Yes sir. Into x upon cos theta. Now cos theta cancel out, and the value of this sin theta is always equals to rho av square into 2x upon w into h. This is the final formula. Okay. In next slide, let's talk about क्या formula क्या निकाला है अपन ने. Sin theta is equals to rho a b square. Sin theta is equals to rho a b square upon w into 2x upon h. 2x upon h. Okay, ये इससे बहुत सारे ये formula अगर आप याद कर लोगे तो आपको hinge का सारा problem solve हो जाएगा. लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ चुके हो तो directly solve भी कर सकते हो. अच्छा बात करते हैं केस वन. इफ केस वन में क्या बोल रहा हूं, इफ जेट स्ट्राइक एट सेंटर ऑफ प्लेट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा इफ जेट स्ट्राइक्स एट द सेंटर ऑफ प्लेट. H by 2. In this case, what will be the angle of deflection? That means, what is the value of sine theta? H by 2. क्या मैं बोल सकता हूँ ये होगा rho a b square upon w. Yes sir. Okay, this is your case number one. Okay, talking about case number two, what will happen if jet strike at the lower end of the plate? Case two is when jet strike at lower end. What will be the value of this? It will be equal. What will be the value of x? H. Now, when you put this value in formula, that is sin theta is equals to, what is the value of sin theta? Sin theta ka formula kya hai? Rho AB. Okay. Rho AB squared upon W into 2x upon h. H upon h. H cancel, so we can say that 2 rho a b square upon w sin theta. Is it okay? Ye w hai kya? How to find this value of w? What is w? आगे समझ में? चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं.
numerical said a jet of water of 30 mm diameter strike a hinged square plate at its center. Now pehla condition kya hai, ye iske center pe lagega. With a velocity of this, the plate is deflected through an angle of 20 degree. Find the weight of the plate. Solve kar loge. What is the equation? Sin theta is equals to सही है क्या? Yes sir. Yes sir. What is the value of h? What is the value of x in this question? Two. Cos theta. H by two. Put the value of h by two. What will be the formula for sine theta? Rho ab upon w. Rho ab square upon w. ओके थीटा का वैल्यू पता है क्या आपको? 20 डिग्री. रो का वैल्यू 1000. एरिया निकाल सकते हो? यस. वेलोसिटी दिया हुआ है? यस सर. यस. जल्दी से बता दो मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ w. कितना आया? 82.66. यस 82.66 थोड़ा गड़बड़ है. और 826 न्यूटन. 82.66 डायमीटर कितना लिया हो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायमीटर? 826.68. यस सही है. 826.6 इज द राइट आंसर. 68 सर. 826.68. सही है. 826. चलो ये तो क्वेश्चन हो गया. नाउ क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? ये कह रहा है इफ द प्लेट इज नॉट अलाउड टू स्विंग, मतलब प्लेट को अगर आपने स्विंग करने ही नहीं दिया, what will be the force required at the lower edge of the plate to keep the plate in vertical position. पढ़ लो ये क्वेश्चन अच्छे से एक बार, फिर मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है. हो गया क्या? मैं ड्रॉ करूँ क्या डायग्राम? यस सर. यस सर. ओके. डायग्राम से कि चलो भाई साहब ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इसके ऊपर आपने कुछ तो भी ये लगा दिया है, इसके ऊपर जेट लगा दिया आपने. ओके. इसके ऊपर जेट लगाया. कहाँ पर जेट लगाया? वो सेंटर पे. अब ये कह रहा है कि लोअर एंड पर मुझे एक फोर्स लगाना है. यहाँ पर उसने एक फोर्स लगा दिया है F. क्यों लगाया है फोर्स? ताकि ये स्विंग ना हो, इसमें जो डेविएशन आता था वो हो ही ना. तो आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, कैसे निकालेंगे ये बता दो. मूवमेंट लेंगे सर. मूवमेंट लेंगे सर. तो मूवमेंट लेके क्या मैं बोल सकता हूँ? यहाँ पर लगने वाला फोर्स, सो एफ एक्स, इधर से सपोज करो फोर्स लग रहा है एफ एक्स और इधर से एफ. तो एफ एक्स इंटू ओ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ इंटू ओ बी. सही है क्या? यस सर. कोई है जिसको ये कैसे लिखा है नहीं समझ में आया? सर समझ में नहीं आया सर. बेटा कुछ नहीं किया, मोमेंट किया. मोमेंट अबाउट दिस मोमेंट ड्यू टू दिस फोर्स एफ एक्स क्या होगा? क्या होता है मोमेंट? होता क्या है सर? मोमेंट होता क्या पहले ये बता. हाँ यस सर. Force into perpendicular distance. Force into perpendicular distance. So force है आपका fx और perpendicular distance है आपका OA. और ये क्यों कौन से direction में जा रहा है? Anti-clockwise direction में. तो इसका sign होगा minus. Minus. Now next plus आगे लिखो.
ये देखो इसके वजह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मैंने प्लस लिखा है, और ये फोर्स है एफ, और मल्टीप्लाई करोगे आप इसको ओबी से, ओबी सो दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इसको दूसरे साइड ले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा fx into o is equals to f into o. ठीक है समझ गया सर। ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx, जल्दी से बताओ कोई मुझे fx का वैल्यू क्या होगा, हाउ यू कैन फाइंड fx? f into ob upon oa, सॉरी fx का वैल्यू, fx rho av, rho av, rho av square. सही है fn sin theta into क्या हो गया fn sin theta, fn sin theta कहां से आ गया भाई, किसने बोला fn sin theta, पहले उसको समझाने दो मुझे, कौन बोल रहा है fn sin theta प्लीज, कैसे आप बोल रहे हो fn sin theta? सर निशांत, हां कैसे होगा fn sin theta निशांत, थीटा कहां से आ जाएगा, इसमें डिफ्लेक्शन ही नहीं है ना बेटा, ओके सर वो इंक्लाइंड प्लेन के लिए होता है ना, अगर प्लेट आप इंक्लाइंड करोगे तब ना बोलोगे कि अच्छा चलो इस सर इस तरह से अगर प्लेट को इंक्लाइंड करेंगे तो fn sin थीटा होगा, अगर प्लेट को इस तरह से इंक्लाइंड करोगे तो fn cos थीटा होगा, समझ में आया? ये तो डायरेक्टली नॉर्मल फोर्स लगेगा, डायरेक्टली नॉर्मल फोर्स दैट इज रो ए वी1 इज दैट नाउ ओए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओए, कैन वी राइट ओए एज ए h/2, यस सर सेंटर पे लग रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू f into ob, ob को h लिख सकते हैं क्या, यस सर h h कैंसिल सो f इज इक्वल्स टू नथिंग बट रो ए वी1 स्क्वायर अपॉन 2, ये निकाल लो आंसर आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई डाउट है? नो सर, क्लियर होगा, इससे क्वेश्चंस बनते हैं 8 मार्क्स के लिए, आपको इससे क्वेश्चन आएगा फ्रॉम द हिंज, इनसे क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला याद रखोगे तो बहुत मुश्किल है, कॉन्सेप्ट सब तक नहीं समझोगे तब तक बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं आराम से आपको बता रहा हूँ कि देखो मूवमेंट कैसे ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, आप जो मैकेनिक्स पढ़ के आए हो वही मैं बता रहा हूँ, आप जो सॉम पढ़ के आए हो वही सब मैं बता रहा हूँ, सिर्फ फोर्स का मैं फ्री बॉडी डायग्राम आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़े, यस सर, कितना टाइम हुआ, 11:17 11 बज गए सर, ओके 11 ही बज गए ना, आज ही ट्रांसफर का लेक्चर नहीं है ना आपका, चलो एक न्यूमेरिकल ले लो, न्यूमेरिकल इज गिवन एज अ जेट ऑफ वाटर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स a hinged square plate of weight 98.1 newton at the center of plate. The plate is uniform thickness find the angle
find the angle. Through which the plate will swing. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको आंसर बताना है. हो गया क्या सॉल्व? हेलो, अरे आवाज आ रही है क्या? आ रही नहीं सर. अच्छा आवाज नहीं आई तो नहीं सर कैसे बोले? सर हुआ नहीं है सर, सॉल्व नहीं हुआ. अच्छा सॉल्व नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बेटा? सॉल्व जल्दी बता दो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बता दो आप. और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ वही बताएगा मुझे. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन थीटा? रो ए वी स्क्वायर इनटू 2x अपॉन w इनटू h बराबर है. चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेट ऑफ वाटर 2.5 सेंटीमीटर. नाउ ये 2.5 सेंटीमीटर से आप क्या निकाल सकते हो सर? 30 के आंसर मीटर. ये क्यों दिया है जेट ऑफ वाटर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर, इससे क्या निकलेगा आपका? एरिया निकलेगा. चलो एरिया निकाल लोगे आप, पाई बाय 4 इनटू जी निकाल लोगे ना? मैं आपसे बस इतना ही पूछ रहा हूँ, एरिया निकाल लोगे? यस सर. ओके, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी भी आपको दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकंड दिया है सर. ओके, नाउ डेंसिटी आपको पता है? यस सर. ओके, डब्ल्यू आपको दिया हुआ है? यस सर. ओके, कहां पर डब्ल्यू एक्ट कहां होगा? एट द सेंटर ऑफ प्लेट एक्ट होगा, ये तो सबको पता है. द प्लेट इज यूनिफॉर्म थिकनेस, फाइंड द एंगल थ्रू द प्लेट. ओके, ये क्या बोल रहा है? अ जेट ऑफ वाटर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ द स्ट्राइक अ हिंज स्क्वायर प्लेट ऑफ दिस मच एट द सेंटर ऑफ प्लेट. नाउ सेंटर ऑफ प्लेट पे आपको क्या हो रहा है? स्ट्राइक कर रहा है जेट. इफ जेट इज स्ट्राइकिंग एट सेंटर ऑफ प्लेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? h/2. So value x के जगह पे h/2 रखो, h/2 ये 2x सब कैंसिल हो जाएगा, फाइनल फॉर्मूला आएगा रो sin थीटा इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर अपॉन w. ये सब आपको पता है, आप थीटा का वैल्यू बता दो. 30 डिग्री. हां कितना आया थीटा का? 30 डिग्री सर. कितने दो? 29.96. ओके, 30 डिग्री इज ओके.
30 डिग्री सर। क्या दिक्कत था इस क्वेश्चन में? नहीं सर। हो गया सॉल्व? नेक्स्ट क्वेश्चन देखे क्या? आज नया कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा इसी प्लेट पर। आवाज अगर क्लियर आ रहा होगा तो आप लोग लिख सकते हो ये प्रॉब्लम। थोड़ा प्रॉब्लम बड़ा है, नहीं तो एक मिनट रुको, मैं प्रॉब्लम देता हूँ आपको, एक ही सेकंड। सर बताइए प्रॉब्लम। एक मिनट जस्ट एक सेकंड रुको। एक ही सेकंड रुक जाओ। मैंने टर्बो मशीन का आप लोगों को ये बुक दिया है क्या? हेलो हेलो। हाँ टर्बो मशीन का कौन सा सर? आरके बंसल का बुक दिया है क्या मैंने? हाँ दिया सर। कहाँ है? दे दिया सर। शेयर कर भाई किसके पास? मैंने व्हाट्सएप पे दिया है, व्हाट्सएप पे दिया है। पिछले टाइम भेजा था ना बोर्ड के सर ने। नहीं इस सेमेस्टर में भी मैंने जब आपको हीट ट्रांसफर का भेड़ सर ने दिया है तो उसी समय मैंने भी दिया है। अरे बोर्ड के सर ने फ्लूइड मैकेनिक्स भेजा था। अरे मैं फ्लूइड मैकेनिक्स वही बात कर रहा हूं मैं, आरके बंसल फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट इज सफिशिएंट फॉर टर्बो मशीन। ओके सर। है सर वो? है सर, है सर। मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे सिस्टम में, वो ही नहीं मिल रहा है। एक मिनट। दिग्विजय है क्या? क्या है सर? दिग्विजय मेरे को कुछ मैसेज करो व्हाट्सएप पे। यस सर। किया क्या? कर रहा हूँ। ओके हाँ आ गया। सर आ गया सर। हाँ एक ही सेकंड, मैं जस्ट ऐसे ही आपको भेजा हूँ। एक मिनट, मेरे को ये प्रॉब्लम अभी आपसे सॉल्व करवाना है।
ओके प्रॉब्लम दिख रहा है? नो सर व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या आपको? अभी दिख रहा है सर, दिख रहा है अभी सर, दिख रहा है। ओके आई होप आप लोग पढ़ सकते हो प्रॉब्लम। अभी दिख रहा है सर। आई होप आपको प्रॉब्लम पढ़ने के लिए आएगा। ये क्वेश्चन कोई सॉल्व करके दिखाओ मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपको एग्जाम में पूछेगा इस टाइप में। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो इंच के सारे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। हो गया क्या क्वेश्चन पढ़ के? डाटा लिख लिए, मैं सॉल्व करूँ, ये आपसे हो जाएगा। हाँ ना कुछ तो बोलते चलो। हाँ सर। सर सॉल्व कर दो ना सर। जिन लोगों से, कितने लोगों हो जिससे हो जाएगा सॉल्व, उनके लिए मैं फिर वेट करूंगा, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। आप लोग क्वेश्चन बड़ा देख के इतना घबरा क्यों जाते हो? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये दो लाइन में सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ट्राई करेंगे सर। करो जल्दी ट्राई करो। डायग्राम ड्रॉ कर लिए, एक एक केस को सॉल्व करो। केस वन पहले सॉल्व करो, बाद में केस टू सॉल्व करना। केस वन बहुत सिंपल है,
ओके देखो सॉल्व कर रहा हूं प्रॉब्लम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स गिवन इन द प्रॉब्लम? एच बाय टू. एच बाय टू प्लस 15. What is the x? X क्या बोल रहा है आपका? आपके क्वेश्चन अगर पढ़ोगे, by the hinge at the top of the a horizontal jet of water 2 meter whose x is 50 centimeter below the hinge. 15 centimeter below the hinge. That means ये तो हो गया ना आपका? 15 centimeter हो गया ना? 15 है, 15. Yes. 15 centimeter x दिया हुआ है. What is the value of h? Height of the plate कितना है? 20. 20. Height of the plate is given at, देखो center of gravity of the plate is at 10 centimeter. तो आप जानते हो center of gravity mid point पे होता है. तो we can say that the height of the plate is 20 centimeter. कोई doubt है यहाँ तक? नहीं, no sir. उसके बाद बोला है कि अगर आपको यहाँ पर एक center पे एक opposite force लगाएंगे, जिससे कि ये straight position पर रहे. तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस फोर्स? यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर लग रहा है fx. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस फोर्स? जल्दी से बता दो एक्सप्रेशन मुझे. 7.85. निशांत बताओ. निशांत सर वो 7.85 समथिंग है मेरा न्यूटन. कौन सा बेटा? आंसर बोल रहे हो क्या? हाँ एपेक्स है. नहीं ठीक है ना, मैं देखता हूँ ना, अभी देखते हैं. निशांत यस सर. यस सर. अच्छा आपका सॉल्व हो गया क्या? नहीं वो ट्राई किया सर. हाँ बताओ ना कैसे इसका इक्वेशन मुझे बता दो. सिर्फ इक्वेशन, मोमेंटम का इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन? तो सर वो डायरेक्ट एफएक्स इज इक्वल्स टू रो ए वी वन स्क्वायर ले लिए. नहीं नहीं वो तो बाद में, पहले आप मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ कांस्टेंट करोगे ना, इक्वल टू 0 करोगे ना. यस सर. यस सर. सो एफएक्स इनटू ओ बी OB को डायरेक्टली मैं x लिखूं? यस सर. x मस्ट बी इज इक्वल्स टू fy. f इनटू oa. oa को मैं h बाय 2 लिखूं? यस सर. यस सर. h बाय 2. ओके नाउ fx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो a v स्क्वायर होगा क्या? यस सर. x is equals to f into h by 2. तो इसमें दिक्कत क्या है? आपके पास रो गिवन है, एरिया आप निकाल सकते हो. एरिया is equals to pi by 4 d square, डायमीटर दिया हुआ है. वेलोसिटी आल्सो गिवन है 5 मीटर पर सेकंड. x गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर. यू कैन इजीली फाइंड f. h का वैल्यू आपको पता है 20 है. तो ये हो गया 1000. एरिया कितना आया है कोई बताएगा मुझे? एरिया उसके कितना आ रहा है? 13.0 3.14. बराबर है क्या? सॉरी 0.00314. यस सर. इतना आया ना एरिया. नाउ x इज 15 सेंटीमीटर, दैट मींस 0.15 डिवाइडेड बाय दिस h. h इज 20 सेंटीमीटर, दैट मींस 0.2. And then multiply it by 2. मेरे ख्याल से हो गया सॉल्व. बचा कितना है? ये 1000 से कर दो इसको, तो ये आ गया 0.314 into. Now ये आप देखोगे तो यहाँ पे कर दो आप इसको, नीचे आ जाएगा 100, ऊपर जाएगा 10. So then after this 2 cancel. This 10 हो जाएगा, ये पॉइंट हटा दिए 1.5 into 1.5, so it is equal 14.5, 0.45 के आसपास आया क्या? Oh sorry, यहाँ पर मैंने v square अभी multiply नहीं किया, 0.45 into v square होगा, v square का value क्या है? 5 square. 5 into मतलब 25 कर दो, यही कुछ आएगा आपका. क्या है आंसर जल्दी बता दो. 58.8. कितना आया? 5.88 समथिंग आ रहा है सर. सर 5.8875 आ रहा है सर. 5.8875.
58875 यस सर ये तो मेरे कुछ गड़बड़ लग रहा है 11.75 आना चाहिए 25 into 0.45 कितना आ रहा है 11.7 आया मेरा सर 11.7 आया सर 11.7 इज द राइट आंसर हां यस सर तो कुछ और ही आप लोग बता रहे थे ये तो सिंपली मैंने ऐसे ही सॉल्व करके आपको बताया है यहां तक हो गया क्या इसमें कोई डाउट है क्या नहीं नहीं सर सो नेक्स्ट ये पार्ट ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि अगर फोर्स यहां पर ऐसे लगते रहे ये फोर्स को आप हटा लो ये फोर्स को आप हटा लो व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन सो डिफ्लेक्शन का फार्मूला बता दो क्या होता है व्हाट इज द फार्मूला फॉर द डिफ्लेक्शन sin theta is equals to रो ए वी स्क्वायर रो ए वी वन रो ए स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू इनटू एच बाय टू सॉरी एच बाय टू सर एक्स वो एक्स बाय एच तो एक्स बाय एच रो दिया हुआ है आपको एरिया पता है वेलोसिटी पता है वेट इज गिवन वेट इज गिवन नाउ एक्स का वैल्यू पता है एच का वैल्यू पता है पुट करो आंसर निकालो क्या दिक्कत है इसमें कौन सा बड़ा क्वेश्चन पूछा है ओके हो गया क्या सॉरी सॉरी सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है आपको फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी वेलोसिटी पूछ रहा है और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है यानी थीटा इज गिवन यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ओके थीटा इज गिवन एज अ 30 डिग्री देन डेंसिटी इज गिवन एरिया आपको पता है 2x x बाकी सब पता है वेलोसिटी निकाल सकते हो बताओ वेलोसिटी कितना आ रहा है इतना टाइम लगेगा कि तो सिंपल सा क्वेश्चन है एक एलसी पे डायरेक्टली लिख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा एरिया कितना आया है आप लोगों का सिक्स आया क्या वेलोसिटी 6.24 0.06 नहीं 62.48 नहीं ओके एरिया इनटू वेलोसिटी स्क्वायर
अपॉन W इज इक्वल टू 58.87.90 गड़बड़ हो गया, प्रश्न भी गड़बड़ है. Now this multiply by 2 into 15 divided by H. H is nothing but a 62.48. Sir, इसको solve करके मुझे V square का value बताओ. What is the value of V square? Sir, 7.19. Sir, वो 2 into 0. Sir, V आया 7.90. Sir, V 8.0 था. 7.90 sir. थोड़ा क्लोज है मेरा, मेरे पास जो आंसर है दिख रहा है वो 9.1. 9.3 is equals to 9.175 meter per second. सर आपने वो मीटर में नहीं किया ना 15 और 20. अरे ठीक है ना बेटा, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, इसको 10 raise to minus 2 करोगे, इसको भी 10 raise to minus 2 करोगे, दोनों कैंसिल आउट ही होने वाला है ना. ओके ठीक है, सॉल्व करो इस इक्वेशन को. देखो साइन 30 इज इक्वल टू नथिंग बट 1/2. साइन 1/2 मस्ट बी इक्वल टू इसको 1000, दैट मींस 0.314 इनटू v स्क्वायर इनटू 2 इनटू 15 एंड डिवाइडेड इट बाय 58.86 इनटू 20. करके देखो कितना आ रहा है. सो 2.90 है सर. जल्दी से बताओ इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है वेलोसिटी. इसको सॉल्व किए तो कितना है 62.4 और अंडर रूट किया तो 7.90. ओके दिस इज द राइट आंसर. मे बी देयर इज समथिंग मिस्टेक. क्लियर हुआ? कोई डाउट है? नो सर. दैट्स ऑल फॉर टुडेस सेशन. आपको हिंज का प्रॉब्लम समझ में आया होगा. नेक्स्ट वी विल गो फॉर द मूविंग बॉडी. अभी तक तो ये फिक्स रहता था. अभी तक अगर आप देखोगे तो आपका जो प्लेट है वो फिक्स है. नेक्स्ट सेशन में हम लोग करने वाले हैं कवर अगर इसमें भी मूविंग हो जाए, अगर ये भी मूव करे तो फिर क्या होने वाला है फोर्स का इक्वेशन. सो सिर्फ अपन चलने वाले हैं पूरे यूनिट में फोर्स, फोर्स की बात करने वाले हैं. अगर देखा जाए तो पूरे यूनिट का मैं 50% कवर कर चुका हूँ. 50% से ज्यादा कवर हो चुका है, यानी और मैक्सिमम 2-3 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा यूनिट नंबर 1. ओके, जिन लोगों को प्रॉब्लम है मैं फिर से बोलता हूँ लेक्चर नंबर 1 जाकर देखो. लेक्चर नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. लेक्चर नंबर 1 में मैंने पूरा बेसिक्स क्लियर किया है. लेक्चर नंबर 1 और 2 देखो, आगे सब समझ में आएगा. अगर अभी नहीं देखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा. अब नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में जो नहीं है उसको मैं हिंज का प्रॉब्लम दूंगा तो वो तो कुछ और ही सोचेगा. आप अगर बुक में देखोगे तो यही ये जो प्रॉब्लम आपने इतने छोटे से छोटा सा स्टेप में सॉल्व किया है, अगर आप जाके बुक में देखो आरके बंसल में, आपको 2 पेज का सॉल्यूशन दिखेगा यहाँ पर. सो प्लीज इसको थोड़ा सा आप बेसिक क्लियर रखो. बेसिक्स क्लियर रखोगे तभी ये सब्जेक्ट आपको ईजी जाएगा. ओके स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं मैं. ओके वी हैव 62 स्टूडेंट. चलो अटेंडेंस ले लिया मैंने, ले लिया शुभम ले लिया मैंने अटेंडेंस. हो गया, आज हो रहा है सब चीज सही है आज. हाँ, और कुछ पूछना है मुझसे रिगार्डिंग टर्बो मशीन, रिगार्डिंग अदर सब्जेक्ट, रिगार्डिंग कुछ और? अच्छा ये है क्या, कोई एक स्टूडेंट है श्रेया नाम की, है क्या आज प्रेजेंट है क्या?
हेलो आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही सर। आ रही सर, आ रही आ रही सर। उसका दो डाउट है थर्मोडायनेमिक्स का, वो मैं सोच रहा था अभी क्लियर कर दूं। है क्या वो प्रेजेंट? देखना पड़ेगा। नहीं है प्रेजेंट। गुड सर, होगा तो हमें बता दो ना, कुछ यूजफुल होगा तो। हाँ कुछ यूजफुल होगा तो हमें भी, वही अगर यूजफुल है तो हमें भी बता दो ना। इसके लिए ही तो मैं अभी आप लोग को रुकने के लिए बोला था ना कि एक बार वो आ जाए, अगर वो उसका डाउट रहता तो मैं उसका उसको भी क्लियर कर देता, आप लोग सब भी समझ जाते। दो प्रॉब्लम है उसको, दो प्रॉब्लम उसने व्हाट्सअप किया था, तो वो ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो तो मैं चैट करके उसको समझा नहीं सकता, तो इसलिए मैंने उसको बोला भी था कि लेक्चर में आना, लेक्चर के लास्ट में अपन डिस्कस करके आपको समझा दूंगा। देखना चाहोगे प्रॉब्लम? हाँ दिखाऊं सर। हाँ दिखाओ सर। ओके ओके जस्ट एक सेकंड, एक प्रॉब्लम ये दिखाता हूँ। जस्ट एक सेकंड। ओके दिस इज हर प्रॉब्लम नंबर वन, ये उसने पहला क्वेश्चन पूछा है, दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर दिख रहा है। यस सर। ओके प्रॉब्लम क्या कह रहा है? द क्रिटिकल पॉइंट एंड द ट्रिपल पॉइंट डाटा। ओके ये जो डाटा आपको दिया हुआ है वो क्रिटिकल पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर का दिया हुआ है। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट नंबर आर इज द ट्रिपल पॉइंट, और यहाँ है आपका क्रिटिकल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट पे तीनों फेज एक साथ देखे जा सकते हैं, दैट मीन्स एट दैट पॉइंट सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फेज ऑफ एनी सब्सटेंस कैन बी शोन। तो यहाँ पर आपको तीनों फेज है। देन आफ्टर दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जिस पॉइंट के ऊपर, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर देयर इज ऑलवेज अ गैसियस स्टेट। ओके क्वेश्चन क्या कर रहा है? इंडिकेट द फेज चेंज दैट विल अकर इन फॉलोइंग केस। ये फेज चेंज का आपको बताना है। Ice at 0.5 kilopascal is heated isobarically. Now isobarically means what? Pressure will remain constant. Constant. ये तो समझ में आ गया कि प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट होगा आइसोबेरिकली में। और आइस का क्या दिया हुआ है प्रेशर? 0.5 किलो पास्कल। 0.5 किलो पास्कल ये दिया हुआ है आपको 0.6 किलो पास्कल। अगर यहाँ अच्छे से देखोगे आप तो, एक सेकेंड, अगर मैं और बड़ा करूं तो आपको अगर दिखेगा तो ये 0.6 किलो पास्कल है। ओके तो 0.5 किलो पास्कल इससे ऊपर होगा या इससे नीचे होगा? ये प्रेशर है इधर दिया हुआ, इधर टेम्परेचर नीचे, है नीचे नीचे होगा सर, नीचे होगा। और अभी आपने बताया मुझे कि प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है और इसके नीचे वाले लाइन में, तो कौन सा लाइन आपको डिनोट करेगा?
प्रेशर कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर कौन सा दिख रहा है? पहला ऑप्शन है ए बी, दूसरा है सी डी, सी डी ए बी, ओ डी, पी आर, आर डी, ओ आर। देख के बताओ मुझे क्या होगा सही। प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, 0.5 किलो पास्कल से नीचे होना चाहिए। आपके पास लाइन है ए बी, ये वाला एक लाइन है ए बी वाला लाइन, देन आफ्टर सी डी वाला लाइन है, देन आफ्टर यू हैव अ ओ डी लाइन, ओ डी लाइन, पी आर लाइन एंड आर डी लाइन। ए बी करेक्ट है सर, ए बी करेक्ट है। चलो पहला आंसर आपका आ गया ए बी करेक्ट है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। वाटर वेपर एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मींस व्हाट? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होगा तो प्रोसेस का वर्टिकल लाइन बनेगा या हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा? वर्टिकल लाइन बनेगा। वर्टिकल सर, वर्टिकल लाइन बनेगा। वर्टिकल लाइन कहाँ पर बनेगा? तो वाटर एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ तक का जो टेम्परेचर वो 374 है। इसके आगे बनेगा, इसके पीछे बनेगा? आगे, लेफ्ट आगे, में आगे, और राइट में? आगे बनेगा, राइट में बनेगा। राइट में कौन सा लाइन आपको दिख रहा है? डीसी, 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 डीसी बोलो या सीडी बोलो? सीडी। सो यानी आपका आंसर में ये पहला लाइन ए बी का होना चाहिए, दूसरा लाइन सी डी का होना चाहिए। देख के बताओ ए बी सी डी में कौन सा सही है? ए वाला सर। ए सर। ये उसका पहला डाउट था, पहला डाउट मैंने क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, यस सर। चलो दूसरा डाउट देख लेते हैं। दूसरा डाउट क्या है उसका, एक मिनट। कौन से सब्जेक्ट का है सर? थर्मोडायनेमिक्स। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 103? यस सर, यस सर। ओके, क्या इसमें कह रहा है? नेग्लेक्टिंग चेंज इन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करना है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ शाफ्ट वर्क ड्यूरिंग द स्टेडी फ्लो प्रोसेस? कोई बता सकता है मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे? मे बी सर ऑप्शन टू। सर मे बी सर, आप ऑप्शन नंबर टू ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते ना बेटा, पहले आपको बोलना पड़ेगा सर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दो। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको क्या कहता है? फ्रॉम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑलवेज क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन डेल्टा एच प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये कहता है आपको। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपको, if you see that delta k is negligible, तो जीरो कर रहा हूँ, potential energy को भी जीरो कर सकते हैं। अब बात आ जाता है, यानी q plus w is equals to delta h होगा सर, ये बात तो सही है, पहला बात तो ये होगा। अब दूसरी बात, दूसरे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर b से। सर हम लोगों ने पढ़ा है कि soft work is equals to होता है integration of vdp, ठीक है? सॉफ्ट वर्क इज इक्वल टू वीडीपी होता है, सही बात है, लेकिन ये किसके लिए होता है? तो ये आपको होता है व्हेन यू टेक अ केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ये होता है किसके लिए? सॉफ्ट वर्क होता है वीडीपी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। अब रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब, तो पहला बात तो ये हो गया कि हीट लॉस नहीं होगा। चलो मान लेते हैं कि दिस इज द कंडीशन फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस, बट either it is a reversible process or irreversible process. So obviously the soft work is a, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ steady flow process में, तो we have to consider it is not a reversible process. तो इसके लिए आ जाएगा W is equals to directly corresponding to delta H.
क्योंकि दोनों में के केस में आपको एडियाबेटिक तो लगाना पड़ेगा, एडियाबेटिक लगाओगे तो आपका क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, दैट मीन वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। सर ये माइनस साइन क्यों दिया हुआ है, माइनस साइन क्यों दिया हुआ है? माइनस साइन इसलिए दिया हुआ है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सॉरी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। शाफ्ट जो है वो रोटेट कर रहा है आपके वाटर को, वो उसके वजह से वाटर फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स इट इज समथिंग नॉट लाइक अ टर्बाइन। ठीक है, इट इज समथिंग लाइक व्हाट यू से अ कंप्रेसर, कंप्रेसर ले सकते हो, पंप ले सकते हो, इसका आंसर। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ पंप और कंप्रेसर, सो आई विल गो फॉर द डी, सो दिस विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? yes. सर पीडीवी yes. क्यों नहीं होगा? पहला आप आंसर एक एक करके डिस्कस बता दो कि कोई मुझे कि पीडीवी क्यों नहीं होगा। अरे कोई कोई गेट वेट का मतलब कोई थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कुछ भी नहीं है। आंसर तुम्हारे साथ, आपको लोग को पहले लेक्चर ऑफ टर्बो मशीन में भी इसका आंसर मैंने बताया है। सर ये आप बताओ मुझे, ये कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है या कंट्रोल मास सिस्टम है? फ्लूइड इज फ्लोइंग, फ्लूइड फ्लो होगा तो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम होगा या कंट्रोल मास सिस्टम? कंट्रोल मास, कंट्रोल मास सिस्टम। कंट्रोल मास सिस्टम में कभी भी आपको ऐसा वॉल्यूम, सॉरी व्हाट यू ऐसे वॉल्यूम चेंज होगा क्या कंट्रोल मास सिस्टम में? वॉल्यूम बाउंड्री चेंज होता है क्या कंट्रोल मास सिस्टम में? नहीं सर। नहीं सर, तो वो तो आपको कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम में होता है, तो ये तो प्रॉब्लम ही कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम का नहीं है। तो पहला और तीसरा तो ऐसे ही हट जाएगा, ये दोनों तो पहले ही हट गए, क्योंकि ये दोनों आपको कह रहा है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये दोनों पहले हट गए। बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ओके प्रेशर चेंज हो रहा है, तो हाँ प्रेशर तो चेंज हो सकता है, तो ये हो सकता है आंसर और ये हो सकता है आंसर। अब इन दोनों में ये क्यों होगा आंसर, वो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। समझ में आया क्या? yes. ये दोनों डाउट था उसका, तो अगर वो समझ में आया होगा, आई होप कि अगर देखेगी वीडियो तो समझ में आ जाएगा। आप लोग के पास भी कुछ भी डाउट्स हो, आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट्स इन दिस सब्जेक्ट। मेरा एक्सपर्टाइज है आपको FM में थर्मोडायनेमिक्स, देन आफ्टर टर्बो मशीन, देन आफ्टर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, देन आफ्टर और क्या होता है सब्जेक्ट थर्मल का, बस इतने में से अगर कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क। हीट ट्रांसफर, इसमें कोई डाउट है तो, वैसे भी हीट ट्रांसफर अभी आपको बेस्ट पर्सन पढ़ा रहे हैं, वेरूर सर हीट ट्रांसफर में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, उनसे कोई भी डाउट पूछोगे तो वो आपको क्लियर कर देंगे। आई होप कि उसमें आपको डाउट ही नहीं आ रहा होगा। That's all for today's session. समझ में आया? कुछ डाउट है तो और कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्या हुआ आज तुम लोग जाने के लिए नाम ही नहीं ले रहे हो? बंद करो सर बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हो? बंद करो सर। ठीक है ठीक है, ओके that's all for today's session. थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। समझ में आया ना? समझ में आया सबको? ओके, कुछ भी डाउट होगा एक काम करो, आरके बंसल लेके थोड़ा सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ डाउट्स होगा तो वो क्वेश्चंस लेके आओ, अपन सॉल्व करेंगे। यस सर, लेक्चर करना होगा। क्या हुआ दिग्विजय? सर आरके बंसल में एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक ओपन होगा? आरके बंसल में इंपैक्ट ऑफ जेट, पहला टॉपिक आपका इंपैक्ट ऑफ जेट है ना, यूनिट नंबर 1। इंपैक्ट ऑफ जेट निकालिए आरके बंसल में, पढ़ना चालू कर दीजिए, आप देखोगे कि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया, जितना वहां पर है वैसे ही चल रहा हूं मैं, वो सारे आपको नोट्स वहां से भी मिल जाएंगे। क्लासरूम ज्वाइन कर लो मेरा, मैंने जो क्लासरूम बनाया है टर्बो मशीन का, उसको ज्वाइन कर लो, उस पे भी आपको बुक्स वगैरह में डाल दूंगा। यस सर। सर वो क्लासरूम का लिंक भेजिए ना, हमें लिंक नहीं आया मेल पे। तो आपने पहले गूगल फॉर्म, सर आप बढ़िए ना,
उसी दिन बढ़ा है तो ईमेल चेक करो, ईमेल चेक करो शुभम, ईमेल पे मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, कल रात में भेजा है। ठीक है सर, चेक करते हैं। ईमेल चेक करो, ईमेल में आपको दिखेगा रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट कर लो, क्लासरूम ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप लोग सबका जिसने जिसने फॉर्म भरा है सबका मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में सेव हो चुका है, कोई भी डाउट हो कभी भी हो फोन कर सकते हो आप मुझे। थैंक यू सर।